मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द स्कूल गुड एंड इविल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड बात करेंगे कि कौन से एक्टर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है पूरी टीम के बारे में बात करेंगे एंड बताने वाले हैं आपको कि कहां पर आप द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देख सकते हो सभी डिटेल में बात करने वाले हैं अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल फेज़ ने इसके स्क्रीन प्ले की बात की है तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड मैजी ने एंड पॉल फेज़ ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को प्रोड्यूस किया है जॉय राउत ने जेफरी किरचन बॉम ने ला फिशर ने पॉल फेज ने एंड जेन स्टार्स ने इसके एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सोफ़िया एने कॉरूसो देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सोफिया बेले देखने को मिलेंगे लॉरेंस फिशबॉर्न देखने को मिल जाएंगे माइकल जिय भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे उसके आगे जैमी फ्लैटर्स देखने को मिल जाएंगे किट जंग देखने को मिल जाएंगे पीटर सैराफिन सैराफिनोविक्स देखने को मिल जाएंगे रॉब डैलने देखने को मिल जाएंगे मार्क हीप देखने को मिल जाएंगे पैटी लू पॉन देखने को मिल जाएंगे राकेल ब्लूम देखने को मिल जाएंगे केट ब्लैंचेट देखने को मिल जाएंगे कैरी बशिंगटन देखने को मिल जाएंगे चैरलाइज़ थैरन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सैनमेटोग्राफी की है जहन सचोर वर्ड्समैन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है ब्रेंट वाइट ने इस मूवी का म्यूजिक किया है थैडोर शैपीरो ने एंड इसके प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इवन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं राथ फिल्म्स फैक्सो एंटरटेनमेंट जेन स्टार्स प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी 19 अक्टूबर 2022 में रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम इस मूवी का एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड इस मूवी का लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाता है तो आने वाले समय में यह मूवी अगर हिट साबित होता है तो आने वाले समय में आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बात करेंगे कि कहाँ पर आप देख सकते हो इस मूवी को उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जॉनर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का जॉनर फैंटेसी फिल्म है अगर आपको फैंटेसी मूवीज़ देखना पसंद दे, है तो यह मूवी आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है बहुत बढ़िया एक्ट्रेस ने काम किया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है सभी टीम वर्कर्स ने अच्छा काम किया है एंड मेन योर लीडिंग रोल में आपको देखने को मिल जाती है सोफिया एन ए कारूसो उनकी एक्टिंग आपको बाकमाल इस मूवी में देखने को मिल जाती है अच्छे डायलॉग्स के साथ अच्छा स्टोरी टेलिंग इस मूवी में आपको देखने को मिल जाता है स्टोरी भी बहुत बढ़िया है अगर आपको फंटैसी मूवीज देखना पसंद है तो आपको इस मूवी की स्टोरी ज़रूर से पसंद आने वाली एंड यह मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है तो काफी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं कि कहां पर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में नेटफ्लिक्स में रिलीज हो गई थी आप जरूर से देख सकते हो अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड ईवीन मूवी को देखना पसंद करते हो यह मूवी आपको अब तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आने वाले समय में इस मूवी का हिंदी वर्जन भी निकाला जाएगा तो आप ज़रूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है आपको यह मूवी जरूर से पसंद आने वाली है तो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द स्कूल गुड एंड इविल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड बात करेंगे कि कौन से एक्टर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है पूरी टीम के बारे में बात करेंगे एंड बताने वाले हैं आपको कि कहाँ पर आप द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देख सकते हो सभी डिटेल में बात करने वाले हैं अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को डायरेक्ट किया है, तो है। पॉल फेज़ ने इसके स्क्रीन पे की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन पे लिखा है डेविड मैजी ने एंड पॉल फेज़ ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को प्रोड्यूस किया है, तो है जॉय राउत ने जेफरी किरचन बॉम ने ला फिशर ने पॉल फेज ने एंड जेन स्टार्स ने इसके एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सोफ़िया एने कॉरूसो देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सोफिया बेले देखने को मिलेंगे लॉरेंस फिशबॉर्न देखने को मिल जाएंगे माइकल जिओ भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे उसके आगे जैमी फ्लैटर्स देखने को मिल जाएंगे किट जंग देखने को मिल जाएंगे पीटर सराफिन सैराफिनोविक्स देखने को मिल जाएंगे रॉब डैलनी देखने को मिल जाएंगे मार्क हीप देखने को मिल जाएंगे पैटी लू पॉन देखने को मिल जाएंगे राकेल ब्लूम देखने को मिल जाएंगे केट ब्लैंचेट देखने को मिल जाएंगे कैरी बशिंगटन देखने को मिल जाएंगे चैरलाइज थैरोन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सैनमेटोग्राफी की है जहन सचोर वर्ड्समैन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है ब्रेंट वाइट ने इस मूवी का म्यूजिक किया है थैडोर शैपीरो ने एंड इसके प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इवन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं राथ फिल्म्स फैक्सो एंटरटेनमेंट जेन स्टार्स प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम इस मूवी का एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड इस मूवी का लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाता है तो आने वाले समय में यह मूवी अगर हिट साबित होता है तो आने वाले समय में आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बात करेंगे कि कहाँ पर आप देख सकते हो इस मूवी को उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जॉनर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का जॉनर फैंटेसी फिल्म है अगर आपको फैंटेसी मूवीज़ देखना पसंद दे, है तो यह मूवी आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है बहुत बढ़िया एक्ट्रेस ने काम किया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है सभी टीम वर्कर्स ने अच्छा काम किया है एंड मेन जो लीडिंग रोल में आपको देखने को मिल जाते हैं सोफिया एने कारूसो उनकी एक्टिंग आपको बाकमाल इस मूवी में देखने को मिल जाती है अच्छे डायलॉग्स के साथ अच्छा स्टोरी टेलिंग इस मूवी में आपको देखने को मिल जाता है स्टोरी भी बहुत बढ़िया है अगर आपको फंटैसी मूवीज देखना पसंद है तो आपको इस मूवी की स्टोरी जरूर से पसंद आने वाली है एंड यह मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है तो काफी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं कि कहां पर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की तो आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में नेटफ्लिक्स में रिलीज हो गई थी आप जरूर से देख सकते हो अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को देखना पसंद करते हो यह मूवी आपको अब तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आने वाले समय में इस मूवी का हिंदी वर्जन भी निकाला जाएगा तो आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है आपको यह मूवी ज़रूर से पसंद आने वाली है तो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द स्कूल गुड एंड इविल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड बात करेंगे कि कौन से एक्टर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है पूरी टीम के बारे में बात करेंगे एंड बताने वाले हैं आपको कि कहाँ पर आप द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देख सकते हो सभी डिटेल में बात करने वाले हैं अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल फेज़ ने इसके स्क्रीन पे की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन लिखा है डेविड मैजी ने एंड पॉल फेज़ ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को प्रोड्यूस किया है जॉय राउत ने जेफरी किरचन बॉम ने लावरा फिशर ने पॉल फेज ने एंड जेन स्टार्स ने इसके एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सोफ़िया एने कॉरूसो देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सोफिया बेले देखने को मिलेंगे लॉरेंस फिशबॉर्न देखने को मिल जाएंगे माइकल जिओ भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे उसके आगे जैमी फ्लैटर्स देखने को मिल जाएंगे किट जंग देखने को मिल जाएंगे पीटर सैराफिन सैराफिनोविक्स देखने को मिल जाएंगे रॉब डैलनी देखने को मिल जाएंगे मार्क हीप देखने को मिल मिल जाएंगे पैटी लू पॉन देखने को मिल जाएंगे राकेल ब्लूम देखने को मिल जाएंगे केट ब्लैंचेट देखने को मिल जाएंगे कैरी बशिंगटन देखने को मिल जाएंगे चैरलाइज थैरन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सनमैटोग्राफी की है जौहन सचोर मैन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है ब्रेंट वाइट ने इस मूवी का म्यूजिक किया है थैडोर शैपीरो ने एंड इसके प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इवन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं राथ फिल्म्स फैक्सो एंटरटेनमेंट जेन स्टार्स प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम इस मूवी का एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड इस मूवी का लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाता है तो आने वाले समय में यह मूवी अगर हिट साबित होता है तो आने वाले समय में आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बात करेंगे कि कहाँ पर आप देख सकते हो इस मूवी को उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जॉनर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का जॉनर फैंटेसी फिल्म है अगर आपको फैंटेसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आप ज़रूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है बहुत बढ़िया एक्ट्रेस ने काम किया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है सभी टीम वर्कर्स ने अच्छा काम किया है एंड मेन जो लीडिंग रोल में आपको देखने को मिल जाते हैं सोफिया एने का रूसो उनकी एक्टिंग आपको बाकमाल इस मूवी में देखने को मिल जाती है अच्छे डायलॉग्स के साथ अच्छा स्टोरी टेलिंग इस मूवी में आपको देखने को मिल जाता है स्टोरी भी बहुत बढ़िया है अगर आपको फैंटेसी मूवीज देखना पसंद है तो आपको इस मूवी की स्टोरी ज़रूर से पसंद आने वाली एंड यह मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है तो काफी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं कि कहां पर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की तो नहीं मिलती लेकिन अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में नेटफ्लिक्स में रिलीज हो गई थी आप जरूर से देख सकते हो अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को देखना पसंद करते हो यह मूवी आपको अब तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आने वाले समय में इस मूवी का हिंदी वर्जन भी निकाला जाएगा तो आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है आपको यह मूवी जरूर से पसंद आने वाली है तो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द स्कूल गुड एंड इविल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड बात करेंगे कि कौन से एक्टर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है पूरी टीम के बारे में बात करेंगे एंड बताने वाले हैं आपको कि कहां पर आप द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देख सकते हो सभी डिटेल में बात करने वाले हैं अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल फेज ने, ने। इसके स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड मैजी ने एंड पॉल फेज ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को प्रोड्यूस किया है, तो है जॉय राउत ने जेफरी किरचन बॉम ने ला फिशर ने पॉल फेज ने एंड जेन स्टार्स ने इसके एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सोफिया एने कॉरूसो देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सोफिया बेले देखने को मिलेंगे लॉरेंस फिशबॉर्न देखने को मिल जाएंगे माइकल जो भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे उसके आगे जैमी फ्लैटर्स देखने को मिल जाएंगे किट जंग देखने को मिल जाएंगे पीटर सराफिन सैराफिनोविक्स देखने को मिल जाएंगे रॉब डैलने देखने को मिल जाएंगे मार्क हीप देखने को मिल जाएंगे पैटी लू पॉन देखने को मिल जाएंगे राकेल ब्लूम देखने को मिल जाएंगे केट ब्लैंचेट देखने को मिल जाएंगे कैरी बशिंगटन देखने को मिल जाएंगे चैरलाइज थैरोन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सनमैटोग्राफी की है जौहन सचोर मैन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है ब्रेंट वाइट ने इस मूवी का म्यूजिक किया है थेडोर शैपीरो ने एंड इसके प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईवेन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं राथ फिल्म्स फैक्सो एंटरटेनमेंट जेन स्टार्स प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी 19 अक्टूबर 2022 में रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम इस मूवी का एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड इस मूवी का लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाता है तो आने वाले समय में यह मूवी अगर हिट साबित होता है तो आने वाले समय में आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बात करेंगे कि कहाँ पर आप देख सकते हो इस मूवी को उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जॉनर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का जॉनर फैंटेसी फ़िल्म है अगर आपको फैंटेसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है बहुत बढ़िया एक्ट्रेस ने काम किया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है सभी टीम वर्कर्स ने अच्छा काम किया है एंड मेन यो लीडिंग रोल में आपको देखने को मिल जाते हैं सोफिया एन्हे कारूसो उनकी एक्टिंग आपको बाकमाल इस मूवी में देखने को मिल जाती है अच्छे डायलॉग्स के साथ अच्छा स्टोरी टेलिंग इस मूवी में आपको देखने को मिल जाता है स्टोरी भी बहुत बढ़िया है अगर आपको फैंटेसी मूवीज देखना पसंद है तो आपको इस मूवी की स्टोरी ज़रूर से पसंद आने वाली एंड यह मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है तो काफी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं कि कहां पर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की तो नहीं मिलती लेकिन अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में नेटफ्लिक्स में रिलीज हो गई थी आप जरूर से देख सकते हो अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड ईविन मूवी को देखना पसंद करते हो यह मूवी आपको अब तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आने वाले समय में इस मूवी का हिंदी वर्जन भी निकाला जाएगा तो आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है आपको यह मूवी जरूर से पसंद आने वाली है तो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द स्कूल गुड एंड इविल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड बात करेंगे कि कौन से एक्टर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है पूरी टीम के बारे में बात करेंगे एंड बताने वाले हैं आपको कि कहां पर आप द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देख सकते हो सभी डिटेल में बात करने वाले हैं अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल फेज़ ने इसके स्क्रीन पे की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन पे लिखा है डेविड मैजी ने एंड पॉल फेज़ ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को प्रोड्यूस किया है जॉय राउत ने जेफरी किरचन बॉम ने ला फिशर ने पॉल फेज ने एंड जेन स्टार्स ने इसके एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सोफ़िया एनेरूसो देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सोफिया बेले देखने को मिलेंगे लॉरेंस फिशबॉर्न देखने को मिल जाएंगे माइकल जिओ भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे उसके आगे जैमी फ्लैटर्स देखने को मिल जाएंगे किट जंग देखने को मिल जाएंगे पीटर सैराफिन सैराफिनोविक्स देखने को मिल जाएंगे रॉब डैलने देखने को मिल जाएंगे मार्क हीप देखने को मिल जाएंगे पैटी लू पॉन देखने को मिल जाएंगे राकेल ब्लूम देखने को मिल जाएंगे केट ब्लैंचेट देखने को मिल जाएंगे कैरी बशिंगटन देखने को मिल जाएंगे चैरलाइज थैरोन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सनमैटोग्राफी की है जौहन सचोर वर्ड्समैन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है ब्रेंट वाइट ने इस मूवी का म्यूजिक किया है डॉर शैपीरो ने एंड इसके प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईवन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं राथ फिल्म्स फैक्सो एंटरटेनमेंट जेन स्टार्स प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने एंड रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम इस मूवी का एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड इस मूवी का लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाता है तो आने वाले समय में यह मूवी अगर हिट साबित होता है तो आने वाले समय में आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बात करेंगे कि कहाँ पर आप देख सकते हो इस मूवी को उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जॉनर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का जॉनर फैंटेसी फ़िल्म है अगर आपको फैंटेसी मूवीज़ देखना पसंद दे, है तो यह मूवी आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है बहुत बढ़िया एक्ट्रेस ने काम किया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है सभी टीम वर्कर्स ने अच्छा काम किया है एंड मेन जो लीडिंग रोल में आपको देखने को मिल जाती है सोफिया एन ए कारूसो उनकी एक्टिंग आपको बाक इस मूवी में देखने को मिल जाती है अच्छे डायलॉग्स के साथ अच्छा स्टोरी टेलिंग इस मूवी में आपको देखने को मिल जाता है स्टोरी भी बहुत बढ़िया है अगर आपको फैंटेसी मूवीज देखना पसंद है तो आपको इस मूवी की स्टोरी ज़रूर से पसंद आने वाली एंड यह मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है तो काफी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में नेटफ्लिक्स में रिलीज हो गई थी आप जरूर से देख सकते हो अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड ईविन मूवी को देखना पसंद करते हो यह मूवी आपको अब तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आने वाले समय में इस मूवी का हिंदी वर्सन भी निकाला जाएगा तो आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है आपको यह मूवी जरूर से पसंद आने वाली है तो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द स्कूल गुड एंड इविल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड बात करेंगे कि कौन से एक्टर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है पूरी टीम के बारे में बात करेंगे एंड बताने वाले हैं आपको कि कहां पर आप द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देख सकते हो सभी डिटेल में बात करने वाले हैं अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल फेज़ ने इसके स्क्रीन प्ले की बात की है तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड मैजी ने एंड पॉल फेज़ ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को प्रोड्यूस किया है जॉय राउत ने जेफरी किरचन बॉम ने ला फिशर ने पॉल फेज ने एंड जेन स्टार्स ने इसके एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सोफ़िया एने कॉरूसो देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सोफिया बेले देखने को मिलेंगे लॉरेंस फिशबॉर्न देखने को मिल जाएंगे माइकल जिय भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे उसके आगे जैमी फ्लैटर्स देखने को मिल जाएंगे किट जंग देखने को मिल जाएंगे पीटर सैराफिन सैराफिनोविक्स देखने को मिल जाएंगे रॉब डैलने देखने को मिल जाएंगे मार्क हीप देखने को मिल जाएंगे पैटी लू पॉन देखने को मिल जाएंगे राकेल ब्लूम देखने को मिल जाएंगे केट ब्लैंचेट देखने को मिल जाएंगे कैरी बशिंगटन देखने को मिल जाएंगे चैरलाइज़ थैरन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सैनमेटोग्राफी की है जहन सचोर वर्ड्समैन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है ब्रेंट वाइट ने इस मूवी का म्यूजिक किया है थैडोर शैपीरो ने एंड इसके प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इवन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं राथ फिल्म्स फैक्सो एंटरटेनमेंट जेन स्टार्स प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने एंड रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो यह मूवी 19 अक्टूबर 2022 में रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम इस मूवी का एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड इस मूवी का लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाता है तो आने वाले समय में यह मूवी अगर हिट साबित होता है तो आने वाले समय में आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बात करेंगे कि कहाँ पर आप देख सकते हो इस मूवी को उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जॉनर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का जॉनर फैंटेसी फिल्म है अगर आपको फैंटेसी मूवीज़ देखना पसंद दे, है तो यह मूवी आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है बहुत बढ़िया एक्ट्रेस ने काम किया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है सभी टीम वर्कर्स ने अच्छा काम किया है एंड मेन योर लीडिंग रोल में आपको देखने को मिल जाती है सोफिया एन ए कारूसो उनकी एक्टिंग आपको बाकमाल इस मूवी में देखने को मिल जाती है अच्छे डायलॉग्स के साथ अच्छा स्टोरी टेलिंग इस मूवी में आपको देखने को मिल जाता है स्टोरी भी बहुत बढ़िया है अगर आपको फंटैसी मूवीज देखना पसंद है तो आपको इस मूवी की स्टोरी ज़रूर से पसंद आने वाली एंड यह मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है तो काफी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं कि कहां पर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में नेटफ्लिक्स में रिलीज हो गई थी आप जरूर से देख सकते हो अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड ईवीन मूवी को देखना पसंद करते हो यह मूवी आपको अब तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आने वाले समय में इस मूवी का हिंदी वर्जन भी निकाला जाएगा तो आप ज़रूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है आपको यह मूवी जरूर से पसंद आने वाली है तो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द स्कूल गुड एंड इविल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड बात करेंगे कि कौन से एक्टर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है पूरी टीम के बारे में बात करेंगे एंड बताने वाले हैं आपको कि कहाँ पर आप द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देख सकते हो सभी डिटेल में बात करने वाले हैं अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है तो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल फेज़ ने इसके स्क्रीन पे की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन पे लिखा है डेविड मैजी ने एंड पॉल फेज़ ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को प्रोड्यूस किया है जॉय राउत ने जेफरी किरचन बॉम ने ला फिशर ने पॉल फेज ने एंड जेन स्टार्स ने इसके एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सोफ़िया एने कॉरूसो देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सोफिया बेले देखने को मिलेंगे लॉरेंस फिशबॉर्न देखने को मिल जाएंगे माइकल जिओ भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे उसके आगे जैमी फ्लैटर्स देखने को मिल जाएंगे किट जंग देखने को मिल जाएंगे पीटर सराफिन सैराफिनोविक्स देखने को मिल जाएंगे रॉब डैलनी देखने को मिल जाएंगे मार्क हीप देखने को मिल जाएंगे पैटी लू पॉन देखने को मिल जाएंगे राकेल ब्लूम देखने को मिल जाएंगे केट ब्लैंचेट देखने को मिल जाएंगे कैरी बशिंगटन देखने को मिल जाएंगे चैरलाइज थैरोन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सैनमेटोग्राफी की है जहन सचोर वर्ड्समैन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है ब्रेंट वाइट ने इस मूवी का म्यूजिक किया है थैडोर शैपीरो ने एंड इसके प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इवेन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं राथ फिल्म्स फैक्सो एंटरटेनमेंट जेन स्टार्स प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम इस मूवी का एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड इस मूवी का लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाता है तो आने वाले समय में यह मूवी अगर हिट साबित होता है तो आने वाले समय में आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बात करेंगे कि कहाँ पर आप देख सकते हो इस मूवी को उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जॉनर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का जॉनर फैंटेसी फिल्म है अगर आपको फैंटेसी मूवीज़ देखना पसंद दे, है तो यह मूवी आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है बहुत बढ़िया एक्ट्रेस ने काम किया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है सभी टीम वर्कर्स ने अच्छा काम किया है एंड मेन यो लीडिंग रोल में आपको देखने को मिल जाते हैं सोफिया एने कारूसो उनकी एक्टिंग आपको बाकमाल इस मूवी में देखने को मिल जाती है अच्छे डायलॉग्स के साथ अच्छा स्टोरी टेलिंग इस मूवी में आपको देखने को मिल जाता है स्टोरी भी बहुत बढ़िया है अगर आपको फंटैसी मूवीज देखना पसंद है तो आपको इस मूवी की स्टोरी जरूर से पसंद आने वाली है एंड यह मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है तो काफी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं कि कहां पर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में नेटफ्लिक्स में रिलीज हो गई थी आप जरूर से देख सकते हो अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को देखना पसंद करते हो यह मूवी आपको अब तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आने वाले समय में इस मूवी का हिंदी वर्जन भी निकाला जाएगा तो आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है आपको यह मूवी ज़रूर से पसंद आने वाली है तो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द स्कूल गुड एंड इविल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड बात करेंगे कि कौन से एक्टर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है पूरी टीम के बारे में बात करेंगे एंड बताने वाले हैं आपको कि कहाँ पर आप द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देख सकते हो सभी डिटेल में बात करने वाले हैं अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल फेज़ ने इसके स्क्रीन की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन लिखा है डेविड मैजी ने एंड पॉल फेज़ ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को प्रोड्यूस किया है जॉय राउत ने जेफरी किरचन बॉम ने लावरा फिशर ने पॉल फेज ने एंड जेन स्टार्स ने इसके एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सोफ़िया एने कॉरूसो देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सोफिया बेले देखने को मिलेंगे लॉरेंस फिशबॉर्न देखने को मिल जाएंगे माइकल जिओ भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे उसके आगे जैमी फ्लैटर्स देखने को मिल जाएंगे किट जंग देखने को मिल जाएंगे पीटर सैराफिन सैराफिनोविक्स देखने को मिल जाएंगे रॉब डैलनी देखने को मिल जाएंगे मार्क हीप देखने को मिल मिल जाएंगे पैटी लू पॉन देखने को मिल जाएंगे राकेल ब्लूम देखने को मिल जाएंगे केट ब्लैंचेट देखने को मिल जाएंगे कैरी बशिंगटन देखने को मिल जाएंगे चैरलाइज थैरन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सनमैटोग्राफी की है जौहन सचोर मैन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है ब्रेंट वाइट ने इस मूवी का म्यूजिक किया है थैडोर शैपीरो ने एंड इसके प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इवन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं राथ फिल्म्स फैक्सो एंटरटेनमेंट जेन स्टार्स प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम इस मूवी का एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड इस मूवी का लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाता है तो आने वाले समय में यह मूवी अगर हिट साबित होता है तो आने वाले समय में आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बात करेंगे कि कहाँ पर आप देख सकते हो इस मूवी को उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जॉनर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का जॉनर फैंटेसी फिल्म है अगर आपको फैंटेसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आप ज़रूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है बहुत बढ़िया एक्ट्रेस ने काम किया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है सभी टीम वर्कर्स ने अच्छा काम किया है एंड मेन जो लीडिंग रोल में आपको देखने को मिल जाते हैं सोफिया एने का रूसो उनकी एक्टिंग आपको बाकमाल इस मूवी में देखने को मिल जाती है अच्छे डायलॉग्स के साथ अच्छा स्टोरी टेलिंग इस मूवी में आपको देखने को मिल जाता है स्टोरी भी बहुत बढ़िया है अगर आपको फैंटेसी मूवीज देखना पसंद है तो आपको इस मूवी की स्टोरी ज़रूर से पसंद आने वाली एंड यह मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है तो काफी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं कि कहां पर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की तो नहीं मिलती लेकिन अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में नेटफ्लिक्स में रिलीज हो गई थी आप जरूर से देख सकते हो अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड ईविन मूवी को देखना पसंद करते हो यह मूवी आपको अब तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आने वाले समय में इस मूवी का हिंदी वर्सन भी निकाला जाएगा तो आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है आपको यह मूवी जरूर से पसंद आने वाली है तो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द स्कूल गुड एंड इविल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड बात करेंगे कि कौन से एक्टर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है पूरी टीम के बारे में बात करेंगे एंड बताने वाले हैं आपको कि कहां पर आप द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देख सकते हो सभी डिटेल में बात करने वाले हैं अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल तो फेज ने इसके स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड मैजी ने एंड पॉल फेज ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को प्रोड्यूस किया है, तो है। जॉय राउत ने जेफरी किरचन बॉम ने ला फिशर ने पॉल फेज ने एंड जेन स्टार्स ने इसके एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सोफिया एने कॉरूसो देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सोफिया बेले देखने को मिलेंगे लॉरेंस फिशबॉर्न देखने को मिल जाएंगे माइकल जो भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे उसके आगे जैमी फ्लैटर्स देखने को मिल जाएंगे किट जंग देखने को मिल जाएंगे पीटर सराफिन सैराफिनोविक्स देखने को मिल जाएंगे रॉब डैलने देखने को मिल जाएंगे मार्क हीप देखने को मिल जाएंगे पैटी लू पॉन देखने को मिल जाएंगे राकेल ब्लूम देखने को मिल जाएंगे केट ब्लैंचेट देखने को मिल जाएंगे कैरी बशिंगटन देखने को मिल जाएंगे चैरलाइज थैरोन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सनमैटोग्राफी की है जौहन सचोर मैन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है ब्रेंट वाइट ने इस मूवी का म्यूजिक किया है थेडोर शैपीरो ने एंड इसके प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईवेन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं राथ फिल्म्स फैक्सो एंटरटेनमेंट जेन स्टार्स प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो हज़ार बाईस में रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम इस मूवी का एक सौ सैंतालीस मिनट देखने को मिल जाता है एंड इस मूवी का लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाता है तो आने वाले समय में यह मूवी अगर हिट साबित होता है तो आने वाले समय में आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बात करेंगे कि कहाँ पर आप देख सकते हो इस मूवी को उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जॉनर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का जॉनर फैंटेसी फिल्म है अगर आपको फैंटेसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है बहुत बढ़िया एक्ट्रेस ने काम किया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है सभी टीम वर्कर्स ने अच्छा काम किया है एंड मेन यो लीडिंग रोल में आपको देखने को मिल जाते हैं सोफिया एन्हे कारूसो उनकी एक्टिंग आपको बाकमाल इस मूवी में देखने को मिल जाती है अच्छे डायलॉग्स के साथ अच्छा स्टोरी टेलिंग इस मूवी में आपको देखने को मिल जाता है स्टोरी भी बहुत बढ़िया है अगर आपको फैंटेसी मूवीज देखना पसंद है तो आपको इस मूवी की स्टोरी ज़रूर से पसंद आने वाली एंड यह मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है तो काफी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं कि कहां पर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की तो नहीं मिलती लेकिन अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में नेटफ्लिक्स में रिलीज हो गई थी आप जरूर से देख सकते हो अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड ईविन मूवी को देखना पसंद करते हो यह मूवी आपको अब तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आने वाले समय में इस मूवी का हिंदी वर्जन भी निकाला जाएगा तो आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है आपको यह मूवी जरूर से पसंद आने वाली है तो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द स्कूल गुड एंड इविल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड बात करेंगे कि कौन से एक्टर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है पूरी टीम के बारे में बात करेंगे एंड बताने वाले हैं आपको कि कहां पर आप द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देख सकते हो सभी डिटेल में बात करने वाले हैं अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना Osionfish. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल फेज़ ने इसके स्क्रीन की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन लिखा है डेविड मैजी ने एंड पॉल फेज़ ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को प्रोड्यूस किया है जॉय राउत ने जेफरी किरचन बॉम ने ला फिशर ने पॉल फेज ने एंड जेन स्टार्स ने इसके एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सोफ़िया एने कॉरूसो देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सोफिया बेले देखने को मिलेंगे लॉरेंस फिशबॉर्न देखने को मिल जाएंगे माइकल जिओ भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे उसके आगे जैमी फ्लैटर्स देखने को मिल जाएंगे किट जंग देखने को मिल जाएंगे पीटर सैराफिन सैराफिनोविक्स देखने को मिल जाएंगे रॉब डैलने देखने को मिल जाएंगे मार्क हीप देखने को मिल जाएंगे पैटी लू पॉन देखने को मिल जाएंगे राकेल ब्लूम देखने को मिल जाएंगे केट ब्लैंचेट देखने को मिल जाएंगे कैरी बशिंगटन देखने को मिल जाएंगे चैरलाइज थैरोन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सनमैटोग्राफी की है जौहन सचोर वर्ड्समैन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है ब्रेंट वाइट ने इस मूवी का म्यूजिक किया है थैडोर शैपीरो ने एंड इसके प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईवन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं राथ फिल्म्स फैक्सो एंटरटेनमेंट जेन स्टार्स प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने एंड रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम इस मूवी का एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड इस मूवी का लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाता है तो आने वाले समय में यह मूवी अगर हिट साबित होता है तो आने वाले समय में आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बात करेंगे कि कहाँ पर आप देख सकते हो इस मूवी को उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जॉनर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का जॉनर फैंटेसी फिल्म है अगर आपको फैंटेसी मूवीज़ देखना पसंद दे, है तो यह मूवी आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है बहुत बढ़िया एक्ट्रेस ने काम किया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है सभी टीम वर्कर्स ने अच्छा काम किया है एंड मेन जो लीडिंग रोल में आपको देखने को मिल जाती है सोफिया एन ए कारूसो उनकी एक्टिंग आपको बाक इस मूवी में देखने को मिल जाती है अच्छे डायलॉग्स के साथ अच्छा स्टोरी टेलिंग इस मूवी में आपको देखने को मिल जाता है स्टोरी भी बहुत बढ़िया है अगर आपको फैंटेसी मूवीज देखना पसंद है तो आपको इस मूवी की स्टोरी ज़रूर से पसंद आने वाली एंड यह मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है तो काफी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में नेटफ्लिक्स में रिलीज हो गई थी आप जरूर से देख सकते हो अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड ईविन मूवी को देखना पसंद करते हो यह मूवी आपको अब तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आने वाले समय में इस मूवी का हिंदी वर्सन भी निकाला जाएगा तो आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है आपको यह मूवी जरूर से पसंद आने वाली है तो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द स्कूल गुड एंड इविल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड बात करेंगे कि कौन से एक्टर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है पूरी टीम के बारे में बात करेंगे एंड बताने वाले हैं आपको कि कहां पर आप द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देख सकते हो सभी डिटेल में बात करने वाले हैं अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल फेज़ ने इसके स्क्रीन प्ले की बात की है तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड मैजी ने एंड पॉल फेज़ ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को प्रोड्यूस किया है जॉय राउत ने जेफरी किरचन बॉम ने ला फिशर ने पॉल फेज ने एंड जेन स्टार्स ने इसके एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सोफ़िया एने कॉरूसो देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सोफिया बेले देखने को मिलेंगे लॉरेंस फिशबॉर्न देखने को मिल जाएंगे माइकल जिय भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे उसके आगे जैमी फ्लैटर्स देखने को मिल जाएंगे किट जंग देखने को मिल जाएंगे पीटर सैराफिन सैराफिनोविक्स देखने को मिल जाएंगे रॉब डैलने देखने को मिल जाएंगे मार्क हीप देखने को मिल जाएंगे पैटी लू पॉन देखने को मिल जाएंगे राकेल ब्लूम देखने को मिल जाएंगे केट ब्लैंचेट देखने को मिल जाएंगे कैरी बशिंगटन देखने को मिल जाएंगे चैरलाइज़ थैरन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सैनमेटोग्राफी की है जहन सचोर वर्ड्समैन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है ब्रेंट वाइट ने इस मूवी का म्यूजिक किया है थैडोर शैपीरो ने एंड इसके प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इवन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं राथ फिल्म्स फैक्सो एंटरटेनमेंट जेन स्टार्स प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी उन्नीस अक्टूबर 2022 में रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम इस मूवी का एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड इस मूवी का लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाता है तो आने वाले समय में यह मूवी अगर हिट साबित होता है तो आने वाले समय में आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बात करेंगे कि कहाँ पर आप देख सकते हो इस मूवी को उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जॉनर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का जॉनर फैंटेसी फिल्म है अगर आपको फैंटेसी मूवीज़ देखना पसंद दे, है तो यह मूवी आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है बहुत बढ़िया एक्ट्रेस ने काम किया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है सभी टीम वर्कर्स ने अच्छा काम किया है एंड मेन योर लीडिंग रोल में आपको देखने को मिल जाती है सोफिया एन ए कारूसो उनकी एक्टिंग आपको बाक इस मूवी में देखने को मिल जाती है अच्छे डायलॉग्स के साथ अच्छा स्टोरी टेलिंग इस मूवी में आपको देखने को मिल जाता है स्टोरी भी बहुत बढ़िया है अगर आपको फंटैसी मूवीज देखना पसंद है तो आपको इस मूवी की स्टोरी ज़रूर से पसंद आने वाली एंड यह मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है तो काफी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं कि कहां पर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में नेटफ्लिक्स में रिलीज हो गई थी आप जरूर से देख सकते हो अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड ईवीन मूवी को देखना पसंद करते हो यह मूवी आपको अब तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आने वाले समय में इस मूवी का हिंदी वर्जन भी निकाला जाएगा तो आप ज़रूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है आपको यह मूवी जरूर से पसंद आने वाली है तो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द स्कूल गुड एंड इविल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड बात करेंगे कि कौन से एक्टर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है पूरी टीम के बारे में बात करेंगे एंड बताने वाले हैं आपको कि कहाँ पर आप द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देख सकते हो सभी डिटेल में बात करने वाले हैं अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल फेज़ ने इसके स्क्रीन की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन लिखा है डेविड मैजी ने एंड पॉल फेज़ ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को प्रोड्यूस किया है जॉय राउत ने जेफरी किरचन बॉम ने ला फिशर ने पॉल फेज ने एंड जेन स्टार्स ने इसके एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सोफ़िया एने कॉरूसो देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सोफिया बेले देखने को मिलेंगे लॉरेंस फिशबॉर्न देखने को मिल जाएंगे माइकल जिओ भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे उसके आगे जैमी फ्लैटर्स देखने को मिल जाएंगे किट जंग देखने को मिल जाएंगे पीटर सराफिन सैराफिनोविक्स देखने को मिल जाएंगे रॉब डैलनी देखने को मिल जाएंगे मार्क हीप देखने को मिल जाएंगे पैटी लू पॉन देखने को मिल जाएंगे राकेल ब्लूम देखने को मिल जाएंगे केट ब्लैंचेट देखने को मिल जाएंगे कैरी बशिंगटन देखने को मिल जाएंगे चैरलाइज थैरोन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सैनमेटोग्राफी की है जहन सचोर वर्ड्समैन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है ब्रेंट वाइट ने इस मूवी का म्यूजिक किया है थैडोर शैपीरो ने एंड इसके प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इवेन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं राथ फिल्म्स फैक्सो एंटरटेनमेंट जेन स्टार्स प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम इस मूवी का एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड इस मूवी का लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाता है तो आने वाले समय में यह मूवी अगर हिट साबित होता है तो आने वाले समय में आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बात करेंगे कि कहाँ पर आप देख सकते हो इस मूवी को उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जॉनर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का जॉनर फैंटेसी फिल्म है अगर आपको फैंटेसी मूवीज़ देखना पसंद दे, है तो यह मूवी आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है बहुत बढ़िया एक्ट्रेस ने काम किया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है सभी टीम वर्कर्स ने अच्छा काम किया है एंड मेन यो लीडिंग रोल में आपको देखने को मिल जाते हैं सोफिया एने कारूसो उनकी एक्टिंग आपको बाकमाल इस मूवी में देखने को मिल जाती है अच्छे डायलॉग्स के साथ अच्छा स्टोरी टेलिंग इस मूवी में आपको देखने को मिल जाता है स्टोरी भी बहुत बढ़िया है अगर आपको फंटैसी मूवीज देखना पसंद है तो आपको इस मूवी की स्टोरी जरूर से पसंद आने वाली है एंड यह मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है तो काफी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं कि कहां पर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की तो आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में नेटफ्लिक्स में रिलीज हो गई थी आप जरूर से देख सकते हो अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को देखना पसंद करते हो यह मूवी आपको अब तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आने वाले समय में इस मूवी का हिंदी वर्जन भी निकाला जाएगा तो आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है आपको यह मूवी ज़रूर से पसंद आने वाली है तो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द स्कूल गुड एंड इविल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड बात करेंगे कि कौन से एक्टर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है पूरी टीम के बारे में बात करेंगे एंड बताने वाले हैं आपको कि कहाँ पर आप द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देख सकते हो सभी डिटेल में बात करने वाले हैं अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल फेज़ ने इसके स्क्रीन पे की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन पे लिखा है डेविड मैजी ने एंड पॉल फेज़ ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को प्रोड्यूस किया है जॉय राउत ने जेफरी किरचन बॉम ने लावरा फिशर ने पॉल फेज ने एंड जेन स्टार्स ने इसके एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सोफ़िया एने कॉरूसो देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सोफिया बेले देखने को मिलेंगे लॉरेंस फिशबॉर्न देखने को मिल जाएंगे माइकल जिओ भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे उसके आगे जैमी फ्लैटर्स देखने को मिल जाएंगे किट जंग देखने को मिल जाएंगे पीटर सैराफिन सैराफिनोविक्स देखने को मिल जाएंगे रॉब डैलनी देखने को मिल जाएंगे मार्क हीप देखने को मिल मिल जाएंगे पैटी लू पॉन देखने को मिल जाएंगे राकेल ब्लूम देखने को मिल जाएंगे केट ब्लैंचेट देखने को मिल जाएंगे कैरी बशिंगटन देखने को मिल जाएंगे चैरलाइज थैरन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सनमैटोग्राफी की है जौहन सचोर मैन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है ब्रेंट वाइट ने इस मूवी का म्यूजिक किया है थैडोर शैपीरो ने एंड इसके प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इवन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं राथ फिल्म्स फैक्सो एंटरटेनमेंट जेन स्टार्स प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में रिलीज हुई थी रनिंग टाइम इस मूवी का एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड इस मूवी का लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाता है तो आने वाले समय में यह मूवी अगर हिट साबित होता है तो आने वाले समय में आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बात करेंगे कि कहाँ पर आप देख सकते हो इस मूवी को उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जॉनर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का जॉनर फैंटेसी फिल्म है अगर आपको फैंटेसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आप ज़रूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है बहुत बढ़िया एक्ट्रेस ने काम किया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है सभी टीम वर्कर्स ने अच्छा काम किया है एंड मेन जो लीडिंग रोल में आपको देखने को मिल जाते हैं सोफिया एने का रूसो उनकी एक्टिंग आपको बाकमाल इस मूवी में देखने को मिल जाती है अच्छे डायलॉग्स के साथ अच्छा स्टोरी टेलिंग इस मूवी में आपको देखने को मिल जाता है स्टोरी भी बहुत बढ़िया है अगर आपको फैंटेसी मूवीज देखना पसंद है तो आपको इस मूवी की स्टोरी ज़रूर से पसंद आने वाली एंड यह मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है तो काफी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं कि कहां पर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की तो नहीं मिलती लेकिन अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में नेटफ्लिक्स में रिलीज हो गई थी आप जरूर से देख सकते हो अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड ईविन मूवी को देखना पसंद करते हो यह मूवी आपको अब तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आने वाले समय में इस मूवी का हिंदी वर्जन भी निकाला जाएगा तो आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है आपको यह मूवी जरूर से पसंद आने वाली है तो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द स्कूल गुड एंड इविल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड बात करेंगे कि कौन से एक्टर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है पूरी टीम के बारे में बात करेंगे एंड बताने वाले हैं आपको कि कहां पर आप द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देख सकते हो सभी डिटेल में बात करने वाले हैं अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को डायरेक्ट किया है, की की है, तो है पॉल फेज ने इसके स्क्रीन प्ले की बात तो की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड मैजी ने एंड पॉल फेज ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को प्रोड्यूस किया है जॉय राउत ने जेफरी किरचन बॉम ने ला फिशर ने पॉल फेज ने एंड जेन स्टार्स ने इसके एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सोफिया एने कॉरूसो देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सोफिया बेले देखने को मिलेंगे लॉरेंस फिशबॉर्न देखने को मिल जाएंगे माइकल जो भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे उसके आगे जैमी फ्लैटर्स देखने को मिल जाएंगे किट जंग देखने को मिल जाएंगे पीटर सराफिन सैराफिनोविक्स देखने को मिल जाएंगे रॉब डैलने देखने को मिल जाएंगे मार्क हीप देखने को मिल जाएंगे पैटी लू पॉन देखने को मिल जाएंगे राकेल ब्लूम देखने को मिल जाएंगे केट ब्लैंचेट देखने को मिल जाएंगे कैरी बशिंगटन देखने को मिल जाएंगे चैरलाइज थैरोन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सनमैटोग्राफी की है जौहन सचोर मैन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है ब्रेंट वाइट ने इस मूवी का म्यूजिक किया है थेडोर शैपीरो ने एंड इसके प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईवेन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं राथ फिल्म्स फैक्सो एंटरटेनमेंट जेन स्टार्स प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो हज़ार बाईस में रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम इस मूवी का एक सौ सैंतालीस मिनट देखने को मिल जाता है एंड इस मूवी का लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाता है तो आने वाले समय में यह मूवी अगर हिट साबित होता है तो आने वाले समय में आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बात करेंगे कि कहाँ पर आप देख सकते हो इस मूवी को उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जॉनर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का जॉनर फैंटेसी फ़िल्म है अगर आपको फैंटेसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है बहुत बढ़िया एक्ट्रेस ने काम किया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है सभी टीम वर्कर्स ने अच्छा काम किया है एंड मेन यो लीडिंग रोल में आपको देखने को मिल जाते हैं सोफिया एन्हे कारूसो उनकी एक्टिंग आपको बाकमाल इस मूवी में देखने को मिल जाती है अच्छे डायलॉग्स के साथ अच्छा स्टोरी टेलिंग इस मूवी में आपको देखने को मिल जाता है स्टोरी भी बहुत बढ़िया है अगर आपको फैंटेसी मूवीज देखना पसंद है तो आपको इस मूवी की स्टोरी ज़रूर से पसंद आने वाली एंड यह मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है तो काफी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं कि कहां पर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की तो नहीं मिलती लेकिन अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में नेटफ्लिक्स में रिलीज हो गई थी आप जरूर से देख सकते हो अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड ईविन मूवी को देखना पसंद करते हो यह मूवी आपको अब तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आने वाले समय में इस मूवी का हिंदी वर्जन भी निकाला जाएगा तो आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है आपको यह मूवी जरूर से पसंद आने वाली है तो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द स्कूल गुड एंड इविल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड बात करेंगे कि कौन से एक्टर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है पूरी टीम के बारे में बात करेंगे एंड बताने वाले हैं आपको कि कहां पर आप द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देख सकते हो सभी डिटेल में बात करने वाले हैं अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को डायरेक्ट किया है, तो है। पॉल फेज़ ने इसके स्क्रीन की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन लिखा है डेविड मैजी ने एंड पॉल फेज़ ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को प्रोड्यूस किया है जॉय राउत ने जेफरी किरचन बॉम ने ला फिशर ने पॉल फेज ने एंड जेन स्टार्स ने इसके एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सोफ़िया एने कॉरूसो देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सोफिया बेले देखने को मिलेंगे लॉरेंस फिशबॉर्न देखने को मिल जाएंगे माइकल जिओ भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे उसके आगे जैमी फ्लैटर्स देखने को मिल जाएंगे किट जंग देखने को मिल जाएंगे पीटर सैराफिन सैराफिनोविक्स देखने को मिल जाएंगे रॉब डैलने देखने को मिल जाएंगे मार्क हीप देखने को मिल जाएंगे पैटी लू पॉन देखने को मिल जाएंगे राकेल ब्लूम देखने को मिल जाएंगे केट ब्लैंचेट देखने को मिल जाएंगे कैरी बशिंगटन देखने को मिल जाएंगे चैरलाइज थैरोन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सनमैटोग्राफी की है जौहन सचोर वर्ड्समैन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है ब्रेंट वाइट ने इस मूवी का म्यूजिक किया है डॉर शैपीरो ने एंड इसके प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईवन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं राथ फिल्म्स फैक्सो एंटरटेनमेंट जेन स्टार्स प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने एंड रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम इस मूवी का एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड इस मूवी का लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाता है तो आने वाले समय में यह मूवी अगर हिट साबित होता है तो आने वाले समय में आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बात करेंगे कि कहाँ पर आप देख सकते हो इस मूवी को उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जॉनर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का जॉनर फैंटेसी फ़िल्म है अगर आपको फैंटेसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है बहुत बढ़िया एक्ट्रेस ने काम किया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है सभी टीम वर्कर्स ने अच्छा काम किया है एंड मेन जो लीडिंग रोल में आपको देखने को मिल जाती है सोफिया एन ए कारूसो उनकी एक्टिंग आपको बाक इस मूवी में देखने को मिल जाती है अच्छे डायलॉग्स के साथ अच्छा स्टोरी टेलिंग इस मूवी में आपको देखने को मिल जाता है स्टोरी भी बहुत बढ़िया है अगर आपको फैंटेसी मूवीज देखना पसंद है तो आपको इस मूवी की स्टोरी ज़रूर से पसंद आने वाली एंड यह मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है तो काफी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में नेटफ्लिक्स में रिलीज हो गई थी आप जरूर से देख सकते हो अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड ईविन मूवी को देखना पसंद करते हो यह मूवी आपको अब तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आने वाले समय में इस मूवी का हिंदी वर्सन भी निकाला जाएगा तो आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है आपको यह मूवी जरूर से पसंद आने वाली है तो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द स्कूल गुड एंड इविल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड बात करेंगे कि कौन से एक्टर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है पूरी टीम के बारे में बात करेंगे एंड बताने वाले हैं आपको कि कहां पर आप द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देख सकते हो सभी डिटेल में बात करने वाले हैं अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है तो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल फेज़ ने इसके स्क्रीन प्ले की बात की है तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड मैजी ने एंड पॉल फेज़ ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को प्रोड्यूस किया है जॉय राउत ने जेफरी किरचन बॉम ने ला फिशर ने पॉल फेज ने एंड जेन स्टार्स ने इसके एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सोफ़िया एने कॉरूसो देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सोफिया बेले देखने को मिलेंगे लॉरेंस फिशबॉर्न देखने को मिल जाएंगे माइकल जिय भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे उसके आगे जैमी फ्लैटर्स देखने को मिल जाएंगे किट जंग देखने को मिल जाएंगे पीटर सैराफिन सैराफिनोविक्स देखने को मिल जाएंगे रॉब डैलने देखने को मिल जाएंगे मार्क हीप देखने को मिल जाएंगे पैटी लू पॉन देखने को मिल जाएंगे राकेल ब्लूम देखने को मिल जाएंगे केट ब्लैंचेट देखने को मिल जाएंगे कैरी बशिंगटन देखने को मिल जाएंगे चैरलाइज़ थैरन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सैनमेटोग्राफी की है जहन सचोर वर्ड्समैन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है ब्रेंट वाइट ने इस मूवी का म्यूजिक किया है थैडोर शैपीरो ने एंड इसके प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इवन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं राथ फिल्म्स फैक्सो एंटरटेनमेंट जेन स्टार्स प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने एंड रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो यह मूवी 19 अक्टूबर 2022 में रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम इस मूवी का एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड इस मूवी का लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाता है तो आने वाले समय में यह मूवी अगर हिट साबित होता है तो आने वाले समय में आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बात करेंगे कि कहाँ पर आप देख सकते हो इस मूवी को उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जॉनर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का जॉनर फैंटेसी फिल्म है अगर आपको फैंटेसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है बहुत बढ़िया एक्ट्रेस ने काम किया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है सभी टीम वर्कर्स ने अच्छा काम किया है एंड मेन योर लीडिंग रोल में आपको देखने को मिल जाती है सोफिया एन ए कारूसो उनकी एक्टिंग आपको बाकमाल इस मूवी में देखने को मिल जाती है अच्छे डायलॉग्स के साथ अच्छा स्टोरी टेलिंग इस मूवी में आपको देखने को मिल जाता है स्टोरी भी बहुत बढ़िया है अगर आपको फंटैसी मूवीज देखना पसंद है तो आपको इस मूवी की स्टोरी ज़रूर से पसंद आने वाली एंड यह मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है तो काफी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं कि कहां पर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में नेटफ्लिक्स में रिलीज हो गई थी आप जरूर से देख सकते हो अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड ईवीन मूवी को देखना पसंद करते हो यह मूवी आपको अब तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आने वाले समय में इस मूवी का हिंदी वर्जन भी निकाला जाएगा तो आप ज़रूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है आपको यह मूवी जरूर से पसंद आने वाली है तो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द स्कूल गुड एंड इविल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड बात करेंगे कि कौन से एक्टर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है पूरी टीम के बारे में बात करेंगे एंड बताने वाले हैं आपको कि कहाँ पर आप द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देख सकते हो सभी डिटेल में बात करने वाले हैं अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल फेज़ ने इसके स्क्रीन पे की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन पे लिखा है डेविड मैजी ने एंड पॉल फेज़ ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को प्रोड्यूस किया है जॉय राउत ने जेफरी किरचन बॉम ने ला फिशर ने पॉल फेज ने एंड जेन स्टार्स ने इसके एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सोफ़िया एने कॉरूसो देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सोफिया बेले देखने को मिलेंगे लॉरेंस फिशबॉर्न देखने को मिल जाएंगे माइकल जिओ भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे उसके आगे जैमी फ्लैटर्स देखने को मिल जाएंगे किट जंग देखने को मिल जाएंगे पीटर सराफिन सैराफिनोविक्स देखने को मिल जाएंगे रॉब डैलनी देखने को मिल जाएंगे मार्क हीप देखने को मिल जाएंगे पैटी लू पॉन देखने को मिल जाएंगे राकेल ब्लूम देखने को मिल जाएंगे केट ब्लैंचेट देखने को मिल जाएंगे कैरी बशिंगटन देखने को मिल जाएंगे चैरलाइज थैरोन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सैनमेटोग्राफी की है जहन सचोर वर्ड्समैन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है ब्रेंट वाइट ने इस मूवी का म्यूजिक किया है थैडोर शैपीरो ने एंड इसके प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इवेन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं राथ फिल्म्स फैक्सो एंटरटेनमेंट जेन स्टार्स प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम इस मूवी का एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड इस मूवी का लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाता है तो आने वाले समय में यह मूवी अगर हिट साबित होता है तो आने वाले समय में आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बात करेंगे कि कहाँ पर आप देख सकते हो इस मूवी को उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जॉनर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का जॉनर फैंटेसी फिल्म है अगर आपको फैंटेसी मूवीज़ देखना पसंद दे, है तो यह मूवी आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है बहुत बढ़िया एक्ट्रेस ने काम किया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है सभी टीम वर्कर्स ने अच्छा काम किया है एंड मेन यो लीडिंग रोल में आपको देखने को मिल जाते हैं सोफिया एने कारूसो उनकी एक्टिंग आपको बाकमाल इस मूवी में देखने को मिल जाती है अच्छे डायलॉग्स के साथ अच्छा स्टोरी टेलिंग इस मूवी में आपको देखने को मिल जाता है स्टोरी भी बहुत बढ़िया है अगर आपको फंटैसी मूवीज देखना पसंद है तो आपको इस मूवी की स्टोरी जरूर से पसंद आने वाली है एंड यह मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है तो काफी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं कि कहां पर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की तो आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में नेटफ्लिक्स में रिलीज हो गई थी आप जरूर से देख सकते हो अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को देखना पसंद करते हो यह मूवी आपको अब तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आने वाले समय में इस मूवी का हिंदी वर्जन भी निकाला जाएगा तो आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है आपको यह मूवी ज़रूर से पसंद आने वाली है तो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द स्कूल गुड एंड इविल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड बात करेंगे कि कौन से एक्टर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है पूरी टीम के बारे में बात करेंगे एंड बताने वाले हैं आपको कि कहाँ पर आप द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देख सकते हो सभी डिटेल में बात करने वाले हैं अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल फेज़ ने, ने इसके स्क्रीन पे की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन पे लिखा है डेविड मैजी ने एंड पॉल फेज़ ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को प्रोड्यूस किया है, तो है जॉय राउत ने जेफरी किरचन बॉम ने लावरा फिशर ने पॉल फेज ने एंड जेन स्टार्स ने इसके एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सोफ़िया एने कॉरूसो देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सोफिया बेले देखने को मिलेंगे लॉरेंस फिशबॉर्न देखने को मिल जाएंगे माइकल जिओ भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे उसके आगे जैमी फ्लैटर्स देखने को मिल जाएंगे किट जंग देखने को मिल जाएंगे पीटर सैराफिन सैराफिनोविक्स देखने को मिल जाएंगे रॉब डैलनी देखने को मिल जाएंगे मार्क हीप देखने को मिल मिल जाएंगे पैटी लू पॉन देखने को मिल जाएंगे राकेल ब्लूम देखने को मिल जाएंगे केट ब्लैंचेट देखने को मिल जाएंगे कैरी बशिंगटन देखने को मिल जाएंगे चैरलाइज थैरन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सनमैटोग्राफी की है जौहन सचोर मैन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है ब्रेंट वाइट ने इस मूवी का म्यूजिक किया है थैडोर शैपीरो ने एंड इसके प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इवन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं राथ फिल्म्स फैक्सो एंटरटेनमेंट जेन स्टार्स प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम इस मूवी का एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड इस मूवी का लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाता है तो आने वाले समय में यह मूवी अगर हिट साबित होता है तो आने वाले समय में आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बात करेंगे कि कहाँ पर आप देख सकते हो इस मूवी को उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जॉनर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का जॉनर फैंटेसी फिल्म है अगर आपको फैंटेसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आप ज़रूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है बहुत बढ़िया एक्ट्रेस ने काम किया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है सभी टीम वर्कर्स ने अच्छा काम किया है एंड मेन जो लीडिंग रोल में आपको देखने को मिल जाते हैं सोफिया एने का रूसो उनकी एक्टिंग आपको बाकमाल इस मूवी में देखने को मिल जाती है अच्छे डायलॉग्स के साथ अच्छा स्टोरी टेलिंग इस मूवी में आपको देखने को मिल जाता है स्टोरी भी बहुत बढ़िया है अगर आपको फैंटेसी मूवीज देखना पसंद है तो आपको इस मूवी की स्टोरी ज़रूर से पसंद आने वाली एंड यह मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है तो काफी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं कि कहां पर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की तो नहीं मिलती लेकिन अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में नेटफ्लिक्स में रिलीज हो गई थी आप जरूर से देख सकते हो अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड ईविन मूवी को देखना पसंद करते हो यह मूवी आपको अब तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आने वाले समय में इस मूवी का हिंदी वर्सन भी निकाला जाएगा तो आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है आपको यह मूवी जरूर से पसंद आने वाली है तो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द स्कूल गुड एंड इविल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड बात करेंगे कि कौन से एक्टर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है पूरी टीम के बारे में बात करेंगे एंड बताने वाले हैं आपको कि कहां पर आप द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देख सकते हो सभी डिटेल में बात करने वाले हैं अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को डायरेक्ट किया है, किया है।, किया है, तो है पॉल फेज ने इसके स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड मैजी ने एंड पॉल फेज ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को प्रोड्यूस किया है जॉय राउत ने जेफरी किरचन बॉम ने ला फिशर ने पॉल फेज ने एंड जेन स्टार्स ने इसके एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सोफिया एने कॉरूसो देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सोफिया बेले देखने को मिलेंगे लॉरेंस फिशबॉर्न देखने को मिल जाएंगे माइकल जियो भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे उसके आगे जैमी फ्लैटर्स देखने को मिल जाएंगे किट जंग देखने को मिल जाएंगे पीटर सराफिन सैराफिनोविक्स देखने को मिल जाएंगे रॉब डैलनी देखने को मिल जाएंगे मार्क हीप देखने को मिल जाएंगे पैटी लू पॉन देखने को मिल जाएंगे राकेल ब्लूम देखने को मिल जाएंगे केट ब्लैंचेट देखने को मिल जाएंगे कैरी बशिंगटन देखने को मिल जाएंगे चैरलाइज थैरोन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सनमैटोग्राफी की है जौहन सचोर मैन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है ब्रेंट वाइट ने इस मूवी का म्यूजिक किया है थेडोर शैपीरो ने एंड इसके प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईवेन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं राथ फिल्म्स फैक्सो एंटरटेनमेंट जेन स्टार्स प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो हज़ार बाईस में रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम इस मूवी का एक सौ मिनट देखने को मिल जाता है एंड इस मूवी का लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाता है तो आने वाले समय में यह मूवी अगर हिट साबित होता है तो आने वाले समय में आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बात करेंगे कि कहाँ पर आप देख सकते हो इस मूवी को उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जॉनर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का जॉनर फैंटेसी फिल्म है अगर आपको फैंटेसी मूवीज़ देखना पसंद दे, है तो यह मूवी आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है बहुत बढ़िया एक्ट्रेस ने काम किया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है सभी टीम वर्कर्स ने अच्छा काम किया है एंड मेन यो लीडिंग रोल में आपको देखने को मिल जाते हैं सोफिया एन्हे कारूसो उनकी एक्टिंग आपको बाकमाल इस मूवी में देखने को मिल जाती है अच्छे डायलॉग्स के साथ अच्छा स्टोरी टेलिंग इस मूवी में आपको देखने को मिल जाता है स्टोरी भी बहुत बढ़िया है अगर आपको फैंटेसी मूवीज देखना पसंद है तो आपको इस मूवी की स्टोरी ज़रूर से पसंद आने वाली एंड यह मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है तो काफी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं कि कहां पर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की तो नहीं मिलती लेकिन अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में नेटफ्लिक्स में रिलीज हो गई थी आप जरूर से देख सकते हो अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड ईविन मूवी को देखना पसंद करते हो यह मूवी आपको अब तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आने वाले समय में इस मूवी का हिंदी वर्जन भी निकाला जाएगा तो आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है आपको यह मूवी जरूर से पसंद आने वाली है तो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द स्कूल गुड एंड इविल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड बात करेंगे कि कौन से एक्टर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है पूरी टीम के बारे में बात करेंगे एंड बताने वाले हैं आपको कि कहां पर आप द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देख सकते हो सभी डिटेल में बात करने वाले हैं अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को डायरेक्ट किया है, तो है। पॉल फेज़ ने इसके स्क्रीन की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन पे लिखा है डेविड मैजी ने एंड पॉल फेज़ ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को प्रोड्यूस किया है जॉय राउत ने जेफरी किरचन बॉम ने ला फिशर ने पॉल फेज ने एंड जेन स्टार्स ने इसके एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सोफिया एने कॉरूसो देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सोफिया बेले देखने को मिलेंगे लॉरेंस फिशबॉर्न देखने को मिल जाएंगे माइकल जिओ भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे उसके आगे जैमी फ्लैटर्स देखने को मिल जाएंगे किट जंग देखने को मिल जाएंगे पीटर सैराफिन सैराफिनोविक्स देखने को मिल जाएंगे रॉब डैलने देखने को मिल जाएंगे मार्क हीप देखने को मिल जाएंगे पैटी लू पॉन देखने को मिल जाएंगे राकेल ब्लूम देखने को मिल जाएंगे केट ब्लैंचेट देखने को मिल जाएंगे कैरी बशिंगटन देखने को मिल जाएंगे चैरलाइज थैरोन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सैनमैटोग्राफी की है जौहन सचोर वर्ड्समैन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है ब्रेंट वाइट ने इस मूवी का म्यूजिक किया है डॉर शैपीरो ने एंड इसके प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईवन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं राथ फिल्म्स फैक्सो एंटरटेनमेंट जेन स्टार्स प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने एंड रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम इस मूवी का एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड इस मूवी का लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाता है तो आने वाले समय में यह मूवी अगर हिट साबित होता है तो आने वाले समय में आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बात करेंगे कि कहाँ पर आप देख सकते हो इस मूवी को उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जॉनर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का जॉनर फैंटेसी फ़िल्म है अगर आपको फैंटेसी मूवीज़ देखना पसंद दे, है तो यह मूवी आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है बहुत बढ़िया एक्ट्रेस ने काम किया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है सभी टीम वर्कर्स ने अच्छा काम किया है एंड मेन जो लीडिंग रोल में आपको देखने को मिल जाती है सोफिया एन ए कारूसो उनकी एक्टिंग आपको बाक इस मूवी में देखने को मिल जाती है अच्छे डायलॉग्स के साथ अच्छा स्टोरी टेलिंग इस मूवी में आपको देखने को मिल जाता है स्टोरी भी बहुत बढ़िया है अगर आपको फैंटेसी मूवीज देखना पसंद है तो आपको इस मूवी की स्टोरी ज़रूर से पसंद आने वाली एंड यह मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है तो काफी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में नेटफ्लिक्स में रिलीज हो गई थी आप जरूर से देख सकते हो अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड ईविन मूवी को देखना पसंद करते हो यह मूवी आपको अब तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आने वाले समय में इस मूवी का हिंदी वर्सन भी निकाला जाएगा तो आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है आपको यह मूवी जरूर से पसंद आने वाली है तो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द स्कूल गुड एंड इविल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड बात करेंगे कि कौन से एक्टर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है पूरी टीम के बारे में बात करेंगे एंड बताने वाले हैं आपको कि कहां पर आप द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देख सकते हो सभी डिटेल में बात करने वाले हैं अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को डायरेक्ट किया है, तो है। पॉल फेज़ ने इसके स्क्रीन प्ले की बात की है तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड मैजी ने एंड पॉल फेज़ ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को प्रोड्यूस किया है तो जॉय राउत ने जेफरी किरचन बॉम ने ला फिशर ने पॉल फेज ने एंड जेन स्टार्स ने इसके एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सोफ़िया एने कॉरूसो देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सोफिया बेले देखने को मिलेंगे लॉरेंस फिशबॉर्न देखने को मिल जाएंगे माइकल जिय भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे उसके आगे जैमी फ्लैटर्स देखने को मिल जाएंगे किट जंग देखने को मिल जाएंगे पीटर सैराफिन सैराफिनोविक्स देखने को मिल जाएंगे रॉब डैलने देखने को मिल जाएंगे मार्क हीप देखने को मिल जाएंगे पैटी लू पॉन देखने को मिल जाएंगे राकेल ब्लूम देखने को मिल जाएंगे केट ब्लैंचेट देखने को मिल जाएंगे कैरी बशिंगटन देखने को मिल जाएंगे चैरलाइज़ थैरन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सैनमेटोग्राफी की है जहन सचोर वर्ड्समैन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है ब्रेंट वाइट ने इस मूवी का म्यूजिक किया है थैडोर शैपीरो ने एंड इसके प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इवन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं राथ फिल्म्स फैक्सो एंटरटेनमेंट जेन स्टार्स प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने एंड रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो यह मूवी 19 अक्टूबर 2022 में रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम इस मूवी का एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड इस मूवी का लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाता है तो आने वाले समय में यह मूवी अगर हिट साबित होता है तो आने वाले समय में आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बात करेंगे कि कहाँ पर आप देख सकते हो इस मूवी को उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जॉनर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का जॉनर फैंटेसी फिल्म है अगर आपको फैंटेसी मूवीज़ देखना पसंद दे, है तो यह मूवी आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है बहुत बढ़िया एक्ट्रेस ने काम किया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है सभी टीम वर्कर्स ने अच्छा काम किया है एंड मेन योर लीडिंग रोल में आपको देखने को मिल जाती है सोफिया एन ए कारूसो उनकी एक्टिंग आपको बाक इस मूवी में देखने को मिल जाती है अच्छे डायलॉग्स के साथ अच्छा स्टोरी टेलिंग इस मूवी में आपको देखने को मिल जाता है स्टोरी भी बहुत बढ़िया है अगर आपको फंटैसी मूवीज देखना पसंद है तो आपको इस मूवी की स्टोरी ज़रूर से पसंद आने वाली एंड यह मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है तो काफी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं कि कहां पर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में नेटफ्लिक्स में रिलीज हो गई थी आप जरूर से देख सकते हो अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड ईवीन मूवी को देखना पसंद करते हो यह मूवी आपको अब तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आने वाले समय में इस मूवी का हिंदी वर्जन भी निकाला जाएगा तो आप ज़रूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है आपको यह मूवी जरूर से पसंद आने वाली है तो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि द स्कूल गुड एंड इविल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी एंड बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड बात करेंगे कि कौन से एक्टर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है पूरी टीम के बारे में बात करेंगे एंड बताने वाले हैं आपको कि कहाँ पर आप द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देख सकते हो सभी डिटेल में बात करने वाले हैं अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को एक लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल फेज़ ने इसके स्क्रीन की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन लिखा है डेविड मैजी ने एंड पॉल फेज़ ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी को प्रोड्यूस किया है जॉय राउत ने जेफरी किरचन बॉम ने ला फिशर ने पॉल फेज ने एंड जेन स्टार्स ने इसके एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सोफिया एने कॉरूसो देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सोफिया बेले देखने को मिलेंगे लॉरेंस फिशबॉर्न देखने को मिल जाएंगे माइकल जो भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे उसके आगे जैमी फ्लैटर्स देखने को मिल जाएंगे किट जंग देखने को मिल जाएंगे पीटर सराफिन सराफिनोविक्स देखने को मिल जाएंगे रॉब डैलने देखने को मिल जाएंगे मार्क हीप देखने को मिल जाएंगे पैटी लू पॉन देखने को मिल जाएंगे राकेल ब्लूम देखने को मिल जाएंगे केट ब्लैंचेट देखने को मिल जाएंगे कैरी बशिंगटन देखने को मिल जाएंगे चैरलाइज़ थैरोन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी में सैनमेटोग्राफी की है जहन सचोर वर्ड्समैन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी का एडिट किया है ब्रेंट वाइट ने इस मूवी का म्यूजिक किया है थैडोर शैपीरो ने एंड इसके प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इवेन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं राथ फिल्म्स फैक्सो एंटरटेनमेंट जेन स्टार्स प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में रिलीज़ हुई थी रनिंग टाइम इस मूवी का एक मिनट देखने को मिल जाता है एंड इस मूवी का लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल जाता है तो आने वाले समय में यह मूवी अगर हिट साबित होता है तो आने वाले समय में आपको इस मूवी का हिंदी वर्जन भी देखने को मिल जाएगा बात करेंगे कि कहाँ पर आप देख सकते हो इस मूवी को उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जॉनर की बात की जाए तो द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी का जॉनर फैंटेसी फिल्म है अगर आपको फैंटेसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह मूवी आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है बहुत बढ़िया एक्ट्रेस ने काम किया है ओवरऑल सभी टीम ने अच्छा काम किया है डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है सभी टीम वर्कर्स ने अच्छा काम किया है एंड मेन यो लीडिंग रोल में आपको देखने को मिल जाते हैं सोफिया एने कारूसो उनकी एक्टिंग आपको बाकमाल इस मूवी में देखने को मिल जाती है अच्छे डायलॉग्स के साथ अच्छा स्टोरी टेलिंग इस मूवी में आपको देखने को मिल जाता है स्टोरी भी बहुत बढ़िया है अगर आपको फंटैसी मूवीज देखना पसंद है तो आपको इस मूवी की स्टोरी जरूर से पसंद आने वाली है एंड यह मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है तो काफी लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं कि कहां पर आपको द स्कूल फॉर गुड एंड इविल मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की तो आपको देखने को नहीं मिलती लेकिन अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है यह मूवी उन्नीस अक्टूबर दो में नेटफ्लिक्स में रिलीज हो गई थी आप जरूर से देख सकते हो अगर आप भी द स्कूल फॉर गुड एंड ईविल मूवी को देखना पसंद करते हो यह मूवी आपको अब तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी लेकिन आने वाले समय में इस मूवी का हिंदी वर्जन भी निकाला जाएगा तो आप जरूर से देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मूवी है आपको यह मूवी ज़रूर से पसंद आने वाली है तो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम